हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और भैया, मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूँ कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ तब भी वही रोटी, और नहीं करता तब भी वही रोटी, यानी किसी तरह से मेरे घर में किसी प्रकार की कोई बरकत नहीं होती है। दोस्तों, मुझे कमेंट में लिखकर बताना बरकत कैसे होती है और किसकी आराधना से होती है। मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। मैं अपने घर पर रहता हूँ, शाम को जब लेटता हूँ तो सोचता हूँ कि हे भगवान, मैं किस तरह का काम करूँ जिससे मेरे घर में बरकत आए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं माता लक्ष्मी की पूजा करो। आप ही लोग बताओ मैं किसकी पूजा करूँ और मेरे घर में बरकत होने लगे। तो मैं बड़ा संकोच में पड़ जाता हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। ये हमें आप लोग कमेंट में लिखकर बताना भाई लोगों कि हमें क्या करना होगा और कैसे मेरे घर में बरकत होगी, कैसे हमारा पालन पोषण होगा, कैसे हमारे परिवार पलेगा और क्या क्या मुझे करना होगा। आप लोग कमेंट में लिखकर हमें भेजना और बताना। तुम भाइयों कहते हैं कि गुरु करो, गुरु मैंने करे लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ मेरे भाई, और मेरे दिन पे दिन जो है मजदूरी लाइन की कहानी गिरती चली आई, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। आज मैं इतना परेशान, इतना दुखी रहता हूँ कि आखिर में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके दरबार में जाऊँ जिससे कि मेरे घर में बरकत होने लगे, मेरी मेहनत मजदूरी चलने लगे। मजदूरी करते हैं लेकिन मजदूरी उस हिसाब से ना मिलती है ना कर पाते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारी आप लोगों से विनती है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट में लिख के बताएं कि किस देवता की पूजा करें जिससे हमारे घर में बरकत होने लगे और कैसे करें। धन्यवाद।